अच्छा ये सेम है, बाग है बहुत बढ़िया। और आज मौसम भी काफ़ी सुहाना है, ठंडा है हल्का सा। और रूट देख सकते हैं कश्मीर का, ये नज़ारा बहुत ही अच्छा है भाई। रियल में आप लोग देखेंगे तो लगेगा हाँ बहुत ही अच्छा है। ये रोड अभी बन रहे हैं मुझे लग रहा है शाम में से। यहाँ से ऊपर भी है और एक जगह उसको बूटा पाथरी है, यहाँ से ऊपर। पार्क है जो गुलमर्ग में प्रेजेंट है, बच्चे यहाँ पे हैं और ये नज़ारा है काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ आया हूँ तो दिखा लूँ आप लोग को भी। सब जाता है यार, ये एक देख सकते हैं नजारा हमारा, क्या खूब जगह है। ये ठंड, बच्चे हमारे पार्क के यहाँ पे एक जो गुलमर्ग में पड़ता है। वाह क्या नज़ारा है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोटो क्योंकि थोड़ा सा फोटो वोटो शूट करने के बाद यहाँ से फिर निकल जाएंगे। ये चारों तरफ बच्चे हैं यहाँ स्कूल पार्क। ये बच्चा था देख रहा है। गार्डन में आने के बाद यही दिल करता है कि यहाँ से जाए नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो नज़ारा है काफ़ी मज़ेदार है और मौसम भी आज कितना खूब सुहाना है देख सकते हैं। तो बच्चे हैं छोटे छोटे जो पढ़ाई करने के बाद स्कूल के तरफ से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे डॉग चैनल, ये कपड़े भी यहाँ पे बिकते हैं। ये देखिए कश्मीर की वादियाँ। अभी काम चल रहा है पार्क में, ये कपड़े भी यहाँ पे बिकते हैं।
की लैंग्वेज थोड़ा सा लगे मुझे लग रहा है। दो सौ ढाई सौ ऐसे ही कपड़े होंगे। क्या कहना है वो सब है ना सर वगैरह सर सभी गलत है पहाड़ दिख रहे। अरे एक नंबर ले रहा हूँ। ये क्या मोरियो बनाना मेरी भी बनाना ठीक है। आओ आओ किधर से बनाओगे देख सकते हैं ये गुलमर्ग का रास्ता है। भेड़िया यहाँ पे चल रही हैं। और इसके पीछे जो हम लोग जहाँ से गए थे वहाँ से शाहरुख खान की जब तक है जान की फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये भेड़िया है और हल्की हल्की यहाँ पे धूप निकल रही है परसेंट टाइम देख सकते हैं। और मैं सेब खा रही देख सकते हैं। सेब खाने का भी कोई नज़ारा नहीं होता है। मैं तो हाँ सही कह रहे हैं सर जी है? सही कह रहे हैं सर जी पहाड़ों पर होते हैं। हम लोग खुश नसीब हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं भेड़िया और साथ में सेब असली नागे सेब हैं। दो तीन दिन में आते हैं क्या ये लोग ये दो तीन में आ रहे थे ऊपर कैंप बना बना कर रुके रहते हैं। हाँ काम बना बना कर रुके रहते हैं यहाँ भी ये दो तीन। ये जो अपना पीछे का नजारा दिख रहा है पर यहीं से हम लोग नीचे जाएंगे अभी। उस नसीब है कि देख सकते हैं यहाँ पे भेड़िया यहाँ पे फोटो लेने का भी इतना। ये बाहर से इसका रोड है अब हम अंदर से ही चलेंगे। अंदर से चलेंगे कुछ देखते हुए ना सर आपको हम वो मार्केट दिखाएंगे। व्यू पॉइंट देखिए भाई ये गुलमर्ग का ही है अभी। क्या है रोटी रोटी यहाँ पे भी फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे हर एक पॉइंट में फिल्म की शूटिंग हो चुकी है किसी ना किसी फिल्म की देख सकते हैं। जो अपने हिसाब के यहाँ पे जो भी आप जो भी पसंद हो यहाँ पे अपने पसंद का खाना खा सकते हैं। यहाँ पे खाना खाएं नहीं खाना ही तो नहीं नहीं सर खाना नहीं खाना है। टूरिस्ट लोग आए हुए यहाँ पर जिन टाइम ये घोड़े हैं यहाँ पे घोड़े जो बैठ के घुमाते हैं। और एक महीने बाद यहाँ पे बर्फ हो जाएगा ना सर जी एक महीने के बाद यहाँ पे पूरा बर्फ रहेगा। बर्फ देखने आए लेकिन बर्फ नहीं है कोई बात नहीं आएंगे मार्च अप्रैल में नवंबर में नहीं सर नवंबर में हम लोग का काम चलता है ना नवंबर में हम लोग बिजी रहेंगे लेकिन कोशिश करेंगे सर भाई मार्च में आने की। क्या कह रहे हो 100% लेके आना है मार्च में आएंगे 100% यहाँ पे बर्फ देखने के लिए। अभी तो हम खुश नसीब है कि हरा भरा देख रहे हैं और मार्च में हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पे बर्फ रहेगा। तो फोटो नहीं लिए सर जी ठीक है ठीक है। आई लव गुलमर्ग यहाँ पे लिखा देख सकते हैं आई लव गुलमर्ग। ये
शिकारापुर मार्केट भी है इसमें ना। देख सकते हैं भाई टेरेस डले की कितने दूर तक है सर? कितने दूर तक है यहाँ पे बेच रहे हैं? वहाँ पे पान लगा रहे हैं। जम जाता होगा ना इसमें लोग क्रिकेट भी पहले यहाँ तो बारिश हो रही थी कल है। नेहरू पार्क वहाँ पे कश्मीर यहाँ पे सब कुछ काम हो गया। ये आर्मी वाले हैं वो माई खाते हुए सभी का नजारा लेते जा रहा हूँ। अभी का ये जो दृश्य देख रहे हैं काफी यहाँ पे जो पानी है जम जाता है और यहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेलते हैं। एक सर है सर जी ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो लेक है बहुत ही बड़ा है और मतलब इतना बड़ा है कि हम मतलब अंदाजा नहीं लगा पा रहे और ये बहुत दूर तक दिख रहा है हमें। खूबसूरत और सबसे अच्छी बात साफ है, बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं। अभी तो सफाई भी चलती है इसमें,
तीन रात चलती रहती है, सोचती जो झील एकदम साफ सुथरी रहती है। ये देख सकते हैं ये साफ ही कर रहे हैं, ये जो ये जो सफाई करती है, देखिए ना इसे सफाई कर रहे हैं, एक भी मतलब यहाँ पे कोई भी कचरा नहीं रहता है, ये सब सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो पैदल चलने के लिए बना है यहाँ पे व्यू पॉइंट, यहाँ से फोटो भी ले सकते हैं। देखिए सफाई का काम चल रहा है। वेलकम द लेक, इसको बोलिए मच्छी मारे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मछली भी लव है शायद, सामने पहाड़ दिख रहा है, ऊंचा पहाड़ है ये। सैफ भाई कुछ बोलोगे इसके बारे में? सैफ भाई अभी चुप है। व्यू पॉइंट देखिए, चक्कर पे 500 मीटर आपको मिलिट्री वाले जरूर मिल जाएंगे, देख सकते हैं हमेशा तैनात रहते हैं दो लोग। मच्छी मार रही टले दर से घूमते सामने से आ रहे हैं, व्यू पॉइंट सफाई करके नदी में शाप करते हैं झील को। नेक्स्ट समय स्पीड यहाँ पे 40-50 की है। ये गार्डन है, दूसरी झील आ चुकी है, वहाँ से बंद हो गई, फिर ये झील लेगी, ये दूसरी है तो सेम ही है, मतलब ये देखो यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग यहाँ से गार्डन की ओर जा रहे हैं। सेब हमारे पास रखे हुए हैं एलईडी, या जगन का, हाँ बहुत ही अच्छी जगह है कश्मीर, और रास्ता भी देख सकते हैं आप लोग, जन्नत कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। वाकई यहाँ पे आने के बाद ये बात पता चली हम लोग को, सच में जन्नत ही है ये तो कश्मीर। पार्क के अंदर हम इस समय आ चुके हैं, कौन सा पार्क है सर? वाटिकल गार्डन, बायोटिकल ये गार्डन है, और यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, देख सकते हैं, और सामने पहाड़ी दिख रही है, गुलाब के फूल है। लोग हम फोटो शूट किधर कराएंगे, देख सकते हैं बोट में ना, और ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे मार्केट है जो लगती है नाव में। मैं पीछे का नज़ारा एक बार आप लोगों को वो दिखा दूँ, कश्मीर की ये बिकता है गवा चाय कॉफ़ी, अरे शिगार पानी ये सब बेचते हैं।
हाँ भैया ये बंसा जी ना मन होका कुर्सी लगाओ हुक्का बोल रहे हैं बोल पीने के लिए देखिए पिएंगे नहीं सर कलर भी आएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर कावा को चाय वाय दिया ना देखो फोटो वाह क्या मस्त नजारा है भाई देख सकते हैं इसमें गिरेगा तो नहीं मिलेगा एक पैसे का चांस नहीं कश्मीर एक नंबर की आ रही है बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है हाँ